लगता है कि आज के जो शासक हैं निर्दयी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री की चाह में माननीय नीतीश कुमार पूरे देश के युवाओं को यहाँ पर बुलाए हैं, जबकि यहाँ पर युवाओं की मेधा की कमी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूँ स्वाति आपके साथ। बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को मिला हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन का साथ। बता दें कि बीते दिन राजधानी पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। वहीं कई शिक्षक अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो चलिए एक नजर पूरी खबर पे डालते हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर पूरे बिहार में आंदोलन जारी है। बीते दिन राजधानी पटना में काफी संख्या में अभ्यर्थी जुटे थे, जिन्हें बलपूर्वक पुलिस ने हटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था और कई शिक्षक अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया, जिसके बाद शिक्षक अभ्यर्थियों को हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन का समर्थन मिला है। बता दें कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि डोमिसाइल नीति हटाने के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन करते हैं हम। साथ ही सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि डोमिसाइल नीति खत्म कर उन्होंने साबित कर दिया बिहार की जनता नहीं, उन्हें केंद्र की सत्ता ज्यादा प्यारी है। डोमिसाइल नीति हटाकर हमारे बिहार के बच्चों के साथ की गई हकमारी को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। डोमिसाइल नीति हटाकर सीएम से पीएम बनने के सपना देखने वाले ने बिहारी प्रतिभावान अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया है। साथ ही हमारे इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों के समर्थन में क्या कहा है। आज की जो घटना हुई है, जिस हिसाब से शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं हमारे युवा, जो अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे थे, उनके साथ जो पुलिस, माननीय नीतीश कुमार जी की पुलिस, जिनके इशारों पर आज जिस हिसाब से लाठी चार्ज हुई है महिलाओं पर, उनके साथ जो बच्चे थे उन पर, ऐसा लगता है कि आज के जो शासक हैं निर्दयी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री की चाह में माननीय नीतीश कुमार पूरे देश के युवाओं को यहाँ पर बुलाए हैं, जबकि यहाँ पर युवाओं की मेधा की कमी नहीं है। यहाँ पर हमारे युवा हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने दिखाया भी है। हमारे युवा पूरे देश में जा करके अच्छे अच्छे पद पर हैं और यहाँ के शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि हमारे युवाओं के पास मेधा नहीं है, सीटें खाली रह जाती हैं, इंग्लिश के टीचर नहीं हैं, साइंस के टीचर नहीं हैं। ऐसे शिक्षा मंत्री रहेंगे और ऐसे सोच वाली सरकार रहेगी तो इस राज्य का भला नहीं है। अब समय आ चुका है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर भी उन लोगों के साथ सड़कों पर उतरेगा, उनकी लड़ाई लड़ेगा और इस राज्य को उन जैसे लोगों से छुटकारा दिलाने का काम करेगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उन साथियों को, उन युवाओं को, उन जो शिक्षक बनने की चाह में है, कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ेगा और अंतिम दम तक लड़ेगा जब तक इन लोगों को गद्दी से उखाड़ के नहीं फेंके। तो आपने हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन को सुना, जिन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का समर्थन देने का ऐलान किया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को भी सब्सक्राइब कर ले और यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।